एडवोकेट साहब, जो इतना ये हजूम लगा हुआ है महिलाओं का अपनी मांग को लेकर, ये क्या है, क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं? एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश होते हैं कि भाई जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा, लेकिन इस तरीके से वो जो व्यवस्था है वो लागू नहीं हो पा रही है, तो इसका क्या कारण है? देखिए, सरकारें जो भी हैं, बेशक माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश हो, लेकिन सरकारें अपने मनमाने तरीके से सारे आदेश लागू करती हैं। जो उन्हें ठीक लगता है वो लागू करती हैं, जो नहीं लगता उसे नहीं करती। अब जहाँ तक इनकी बहनों की बात है, आज की तारीख में ये जो आप देख रहे हैं सारा हुजूम, इसमें आंगनवाड़ी बहनें हैं, सहायिकाएँ हैं, इसमें रसोई हैं जो मिड डे मील में खाना बनाते हैं। तो आंगनवाड़ी बहनों को यहाँ पर मात्र 4,000 रुपये मिलते हैं, जो मिनी आंगनवाड़ी हैं उनको 2,250 रुपये मिलते हैं, और जो सहायिका हैं उनको 1,500 रुपये महीने के मिलते हैं, और जो खाना बनाती हैं रसोई हैं बहनें मिड डे मील का, इनको मात्र 1,000 रुपये महीने मिलते हैं। तो क्या सरकार अपने आप सोचे कि इतने पैसे में क्या किसी का घर चल सकता है? क्या 1,000 रुपये में, 1,500 में, 2,250 में, 4,000 में नहीं चल सकता। इसलिए ये आंदोलन है कि हमारी जो मांगे मानी जाएं और हमें कम से कम 18,000 रुपये वेतन हमें दिया जाए, जो कि जायज़ हमारा हक है, और वो न्यूनतम मजदूरी बैठता है। और सरकार भी कहती है, माननीय अदालत के भी आदेश है कि कम से कम व्यक्ति को आप न्यूनतम मजदूरी तो दोगे। हम वही मांग रहे हैं, और साथ में मांग रहे हैं कि जब पूरे दिन हम काम करते हैं, जो आंगनवाड़ियों से काम लिया जाता है उसमें इलेक्शन का काम है, वोटिंग का काम है, जनगणना का काम है, जिनसे कितने काम लिए जा रहे हैं, जबकि उनके लिए मना है, बावजूद उसके वो काम लिए जा रहे हैं, तो कम से कम हमें 18,000 वेतन तो दे। ये हमारी मांगे हैं और जायज़ मांगे हैं। अफसोस कि 2 महीने पहले लगातार चला धरना, 21 अक्टूबर से लेके उसका दिसंबर तक, 22 दिसंबर तक का, तब भी सरकार ने नहीं सुनी, और अब फिर हमें मजबूरी में करना पड़ रहा है, तो अब भी सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। सरकार बहुत गंभीरता से इस बात पर विचार करे, अन्यथा तो हर कोई सड़क पर होगा।